नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के छोटी पुल के नीचे बिहर नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान बिहार के सिवान निवासी अनुज सिंह के रूप में की गई है। घटना के संबंध में मृतक अनुज का साथी चिरंजीव सिंह ने बताया कि दोनों युवक गोरखपुर से मुंबई महाराष्ट्र सवारी छोड़ने गए थे। महाराष्ट्र से गोरखपुर वापस जाते समय बिहर नदी में नहाने के लिए रुक गए। बीते दिवस तकरीबन 1 बजे जब दोनों युवक नदी में नहा रहे थे, तभी अचानक अनुज सिंह डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए चिरंजीव सिंह आगे आए, लेकिन वह भी पानी की लहरों में फंस गया। चिरंजीव ने किसी तरह से अपनी जान बचाई, लेकिन अनुज सिंह पानी के अंदर ही समा गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद 100 डायल पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस और SDRF की टीम के द्वारा रेस्क्यू चालू किया गया। तकरीबन 4 बजे अनुज सिंह का शव बिहर नदी में बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजनों से संपर्क कर पुलिस ने घटना की जानकारी दी। वहीं मृतक के शव को PM के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया है। चिरंजीव, हम लोग मुंबई से आ रहे थे, जा रहे थे गोरखपुर। रास्ते में नदी दिखा, हम लोग को नहाना था, 2-3 दिन हो गया था नहाए हुए। उसके बाद जब हम लोग गए नीचे तो नहा रहे थे, फेवरे पर पानी था, उसके बाद पैर उसका स्लिप किया। बचाने के लिए हम भी गए, उसको तो बचा नहीं पाया उसको, हम पैर उसका स्लिप किया, उसे भी फंस गया हुआ। फिर हम 100 नंबर को फ़ोन किए, वो लोग आए तो वो लोग गोताखोर को बुलाया, फिर बॉडी मिली। फिर जाके बॉडी 1 बजे घटना हुआ था, पुलिस आई थी 2 बजे तक, बॉडी मिल गई थी 4 बजे के बाद, 4 बजे तक मिल गई थी। आप भी डूब गए थे? हाँ, हम भी डूब गए थे। कैसे बाहर निकले? पत्थर मिला, एक पत्थर का सहारा लेके ऊपर ही आ गए। आप लोग कहाँ से कहाँ गए? हम लोग गोरखपुर से पूना गए थे। हाँ, वापस गए। हाँ, टैक्सी चलाते हैं। क्या नाम है? खत्म हो गया उनका क्या नाम? अनुज सिंह नाम था। कहाँ के रहने वाले? सिवान जिला। थाना कौन सा लगता है? थाना सिवानी पड़ेगा।